अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक्सपर्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद आपका। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नई ट्रिक के हवाले से वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन या थीसिस वगैरह बनाते हैं और वो कहीं से इतना सारा डाटा वो लिख नहीं पाते, कहीं से डाटा वो उठाते हैं या किसी अपने फ्रेंड की थीसिस या डॉक्यूमेंटेशन से डाटा उठा के वो पेश करते हैं तो उनका प्लैगियरिज्म आ रहा होता है। या वो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, ब्लॉगर या वर्डप्रेस पे यूज़ करते हैं, वो पोस्टिंग करते हैं वहाँ पे, तो वो सारा डाटा तो वहाँ से किसी का उठाते हैं तो वो पेस्ट करेंगे तो प्लैगियरिज्म आ जाता है, तो वो इससे कॉपीराइट भी आ जाता है आपका। तो अब मैं इस वीडियो में आपको एक बगैर सॉफ्टवेयर के एक ट्रिक ऐसी छोटी सी बताने जा रहा हूँ कि आप बिल्कुल अब इजीली किसी का भी डाटा उठा के आप डाटा शेयर कर सकते हैं, अपनी पोस्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं, वो भी एक दिन के अंदर अंदर। अगर कोई वर्ड पोस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी 2 मिनट के अंदर आप डाटा उठा के अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा ट्रिक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा, तो आपने वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चाहते हैं कि आपको नए आने वाली जॉब्स की इन्फॉर्मेशन बकायदा SMS नोटिफिकेशन मिलता रहे तो इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए और इसके साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और साथ ही यहाँ पे भी टिक करके सेव कर दीजिए। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक वेबसाइट है, कहीं से भी आप कोई भी उठा सकते हैं। ऑनलाइन के प्लैगियरिज्म चेक करना चाह रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने भी ऐसे कोई उठाई हुई है। तो अब मैं कोई डाटा, आप सबसे पहले आपको ये मैं दिखाना नहीं चाह रहा कि आप इसको ओपन रखिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे इम्प्रूव के तौर पे के प्रूफ के साथ मैं आपको यह दिखाना चाहूँगा कि भाई आप कैसे यहाँ पे प्राइसिंग देखें, पहले 100% थी, उसके बाद कैसे 0 हुई, वो सारा मैं दिखाऊंगा आपको। तो अब आप कहीं से भी हम कोई वेबसाइट का डाटा उठाते हैं, आप जैसे कि मैंने ये वेबसाइट मैं उठाना चाह रहा हूँ, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये, अब मैं यहाँ से डाटा उठाना चाह रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ से डाटा उठाया, कॉपी किया इसको, आपने क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट ओपन करके रख लेना साइट पे, यहाँ पे आपने इंग्लिश करना है इसे, उसके बाद यहाँ पे पेश कर देना है, उसके बाद यहाँ से उर्दू आ गया। आपने क्या करना है, जितना भी डाटा आपके पास है सारा डाटा उठाओ, आप यहाँ पे फेंको, यहाँ से कॉपी करो, फिर उसके बाद यहाँ पे आओ, यहाँ पे उर्दू करो, यहाँ पे वो डाटा फेंको और यहाँ पे इंग्लिश कर दो। अब यही बिल्कुल सेम टू सेम वही डाटा जो यहाँ पे था आपने फेंका हुआ, वो यहीं पे यहीं पे आगे चेंज आएगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। ये भी तरीका ठीक है, अगर आप 2 दफ़ा यानी कि फेंकेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ठीक, अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो आप वही यहाँ से दोबारा इंग्लिश वाला डाटा ही आप यहाँ पर फेंक देंगे तो यहाँ से उठा लेंगे, तो एक ही बात है इंग्लिश वाला, यहाँ मतलब जो जो राइट साइड पे आपके जो डाटा आ रहा है, जो आउटपुट आ रही है आपकी, जो हमारी आउटपुट होती है, उसमें ये गूगल ट्रांसलेट जो होता है वो प्लैगियरिज्म बिल्कुल ख़त्म करके आपको दिखाता है यहाँ पे। अब ये बिल्कुल ख़त्म करके दिखाया है, चाहे आप यहाँ पे जो भी फेंक दें, जो राइट साइड पे आपका जो आउटपुट आएगी वो 0 ही आएगी। अब यहाँ से डाटा हमने कॉपी कर लिया, अब मैं वही डाटा यहाँ पे आके आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना प्लैगियरिज्म इसमें था। आप हमारी यूनिक देखें कितना है, 100% होना चाहिए ये, हंड्रेड परसेंट ही होगा ये यूनिक, ये ऑनलाइन है, यहाँ से हम ऑनलाइन भी प्लैगियरिज्म चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहें, आप खुद भी देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, खुद भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए 100% यूनिक कंटेंट है हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, यही डाटा मैं दोबारा उठाता हूँ, अब मैं दोबारा आपको यहीं पे चेक करके दिखाता हूँ, आप देखें कितनी प्राइसेस में जो हमारा, हमने जो उसको चेंज किया तो इसने गूगल ट्रांसलेट ने क्या काम करके दिखाया आपको, क्या उसने सच किया है या झूठ था। अब ये आपको प्रूफ दे रहा हूँ मैं आपको, क्या वो सच था या झूठ था। देखिए आपके सामने 0, आपके सामने देखें वो ये 0, वहाँ पे 100% हमने वहाँ पे फेंका था वो 100% था, यहाँ पे देखें उसने 0 दिखाया। देखो पूरा का पूरा वो जो कंटेंट हमने उठाया था वो पूरा का पूरा कॉपीराइट था, उसने दिखाया यहाँ पे कि कॉपीराइट था पूरा, और अब देखें हमने उसको चेंज किया तो यहाँ पे देखें उसने सब क्लियर कर दिया। अब आप इसको डाटा कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं उसका डाटा वहाँ पर फेंक सकते हैं, या वर्डप्रेस या ब्लॉगर में आप कोई पोस्ट
पोस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक लाजमी कीजिए अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो, और शेयर भी कीजिए बाकियों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।